हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्वीन संगीता। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मेरा बेटा स्कूल चला गया है। आप आज है मदर डे और आप लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी मदर डे। सभी माओं को, जितनी मदर हैं, जितनी माएँ हैं, सभी को मेरा हैप्पी मदर डे। और बस आज है मदर्स डे, तो फिर सभी को स्कूल में आज कुछ फंक्शन होने वाली है, तो मैं जाऊंगी स्कूल बाबू का। तो बच्चे को पहले बुलाए हैं, जब क्लास होगा उसी टाइम, मतलब 6:30 बजे बच्चे का स्कूल है और मैं जाऊंगी 8 बजे, 8:30 बजे। तो देखिए, मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैं नहाऊँगी, बाबू को स्कूल भेज दी हूँ। यहाँ पर मेरे कपड़े सब धुल गए थे, मैं सारे डाल दी हूँ यहाँ पर बालकनी में, और एक बार दी हूँ धुलने के लिए। और बस यहाँ पर देखिए, अभी दीदी हाउस का क्लीनिंग कर रही है, मेरी दीदी आ गई है काम वाली, तो यहाँ पे हो रहा है क्लीनिंग। और आज का मौसम देखिए कितना अच्छा है, सुहाना सुहाना, उतना धूप नहीं है, खिला खिला मौसम है। तो ठीक है फ्रेंड, मैं नहा के मिलती हूँ, उसके बाद मैं जब जाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी वहाँ पर क्या क्या फंक्शन होते हैं, और जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग से। तो फ्रेंड, मैं नहा कर आ गई हूँ और यहाँ पर देखिए सुबह का मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए, आटा का चीला। और मुझे यही अच्छा लगता है, सुबह सुबह जल्दी भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो मैं एक साइड में चाय भी बैठाई हूँ, चाय और चीला मैं खा कर चली जाऊँगी। और यहाँ पे मैं छोटे बाबू को भी दे चुकी हूँ बना कर एक, पहले वो खा रहा है घूम घूम के अपना, और मैं भी यहाँ पे बना रही हूँ जल्दी जल्दी। अभी मुझे तैयार भी होना है, मैं बाल को भी वॉश की थी आज, क्योंकि बाबू का स्कूल जाना था तो पूरा एकदम ऑयल लगा हुआ था बाल में, तो अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे अभी साड़ी पहनना है, मुझे बहुत लेट हो रहा था, मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ और तैयार होकर झट से मैं निकलूँगी। तो देखिए मेरा बन चुका है, मैं खा कर निकल चुकी हूँ। तो देखिए मैं इस टाइप से साड़ी पहनी हुई हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं सिंपल सा एक साड़ी पहनी हूँ फटाफट, और बाल मेरे सूखे नहीं थे तो मैं ऐसे ही खुला ही रखी हूँ। तो मैं स्कूल बाबू का पहुँच चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे थर्ड फ्लोर में ही यहाँ पर फंक्शन हो रहा था, तो यहाँ देखिए उधर मेरे बाबू बैठा हुआ है, मुझे भी देख रहा था। देखिए एकदम छोटू सा उधर है, तो बदमाशी कर रहा है अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे सभी मम्मी लोग बैठी हुई है, यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे सर सभी मैम, मतलब सभी मम्मियों का स्वागत कर रहे हैं, बहुत सारा अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। और बच्चे लोग एकदम बहुत खुश हैं अपनी मम्मियों को देखकर, सभी बच्चे एकदम खुश हैं कि मेरी मम्मी आज स्कूल आई है। तो होता है ना, बच्चे लोग बस मम्मी को देख रहे हैं, और मेरा बेटा मेरे पास तुरंत ही आ गया था। फिर देखिए यहाँ पर सर लोग, मतलब 5 मैम हैं यहाँ पे, और सर हैं जो ये प्रिंसिपल हैं हेड स्कूल के, और वो डायरेक्टर भी हैं। सभी को यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। और देखिए सभी मम्मियों का यहाँ पे माथे में तिलक हुआ, उसके बाद सुपर मॉम, तो मतलब अच्छा अच्छा मतलब यहाँ पे बहुत सारे।
मैं घर आ गई हूँ और देखिए यहाँ पर ये लोग बदमाशी कर रहा है। आप लोग का बहुत लेट हो गया है, 11 बज गया मुझे आने में। टूट जाएगा बेटा, देख सकते हैं। मैं छोटू को मैं नहीं लेके गई थी तो बोल रहा है मुझे भी लेके क्यों नहीं गई, इसको छोड़ दी थी मैं घर में इसके पापा के पास। और देखिए यहाँ पर मेरा बड़ा बेटा भी थक गया है बहुत, आदर्श। चलो सबको बाय बाय करो। तो फ्रेंड मैं किचन में आ गई हूँ और चावल बना ली हूँ, दाल भी बना ली हूँ और यहाँ पे देखिए कटहल आलू की सब्ज़ी में बना रही हूँ, क्योंकि आते मेरा बहुत लेट हो चुका है आज आके स्कूल से। तो देखिए यहाँ पे मेरा दोनों चीज़ बन चुका था, तो मैं कटहल आलू की आज सब्ज़ी बना रही हूँ। जल्दी जल्दी सिंपल ही बना रही हूँ, ज़्यादा मैं मतलब मसाले वाला नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल बना रही हूँ। और बस खाना जल्दी से मैं बना करके दूँगी, हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे और भूख भी उनको लग गया है, इसी वजह से आज लेट भी हो गया स्कूल से मेरा आने में। और आने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट भी की थी क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा, मैं बहुत देर बैठी हुई थी स्कूल में। तो देखिए और बच्चे लोग के साथ थोड़ा सा मैं बात करने लगी तो मेरा और लेट हो गया था। फिर मैं झटपट यहाँ पे कटहल आलू की सब्ज़ी, दाल चावल चटनी सब जो जो है बनाने का बना ली हूँ फटाफट, ज़्यादा वैरायटी में नहीं बनाई हूँ। और देखिए मैं यहाँ पर मेरा सब्ज़ी बन चुका है, सारा मसाला मैं डाल दी थी और यहाँ पे पानी डाल दी हूँ। मेरा खाना बन करके रेडी हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो आज इतनी बारिश हुई कि क्या बताऊँ, अभी शाम का वक्त हो रहा है, इतना बारिश हुआ तो बहुत ज़्यादा हुआ और बर्फ़ भी गिरे हैं। आप लोगों को तो मैं दिखाई है वीडियो में तो उतनी अच्छे से नहीं दिखी है, लेकिन बहुत सारा बर्फ़ गिरा है एकदम, बहुत ज़्यादा एकदम गिरा था और बारिश भी बहुत तेज़, बर्फ़ भी गिरी। और अच्छा लगता है, हम लोग तो छोटे में बर्फ़ को चून करके आइसक्रीम बनाते थे, लेकिन अभी नहीं बनाते हैं, अभी देखती हूँ। बहुत मतलब छोटे में बहुत मस्ती करते थे जब बर्फ़ गिरता था, हम लोग बहुत मतलब ये होता ना एक्साइटेड रहते थे तो सब हुआ अभी। और तो फ्रेंड शाम का वक्त हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ, आज मौसम अच्छा है तो मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो आज देखिए यहाँ पे मैं कट कर ली हूँ प्याज, ये मैं प्याज कट कर ली हूँ और यहाँ पर मैं मसाला भी पीस ली हूँ, इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना ली हूँ और बस यहाँ पे मैं बेसन भी निकाल ली हूँ। तो मैं देखिए कैसे पकौड़े बनाती हूँ। मैं आलू को भी बॉईल की हूँ कुकर में, तो अभी मैं बना रही हूँ आलू और प्याज के पकौड़े। तो बॉईल आलू के चॉप टाइप के होते हैं ना जो, उस टाइप के। तो आप लोग देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो बस तो मैं यहाँ पे देखिए प्याज और आलू की पकोड़े बना रही हूँ, मतलब बॉयल आलू का। तो मैं यहाँ पे प्याज को डाल दी हूँ और हरी मिर्च को भी काट कर डाल दी हूँ और आलू को भी थोड़ा सा मैश कर ली हूँ चम्मच से, गर्म था इसी वजह से मैं चम्मच से की हूँ। और देखिए इस तरीके से मैं इसको पहले मैश कर ली थी प्याज को, ताकि अलग अलग हो जाए, पतला पतला काटी थी। और इसमें देखिए जिंजर और गार्लिक का पेस्ट मैं डाल दे रही हूँ, इसमें हरी मिर्च भी मैं डाली हुई थी दो, तो सभी चीज़ का मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा पेस्ट, ज़्यादा नहीं, दो मतलब एक चम्मच के करीब मैं डाली हूँ। और यहाँ पे कुछ कुछ ड्राई मसाला मैं डाल दे रही हूँ, जैसे हल्दी का पाउडर डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा इसमें देखिए धनिया का पाउडर था तो उसको भी मैं डाल दे रही हूँ। और जितने भी आपके पास ड्राई मसाले हैं, मेरे पास जो जो थे मैं डाल दी। यहाँ पे लाल मिर्च का भी मेरे पास पाउडर था वो डाल दी हूँ, तो गरम मसाला का पाउडर था वो भी डाल दी हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आमचूर का है तो वो भी डाल दे, तो मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दी हूँ और बस पकोड़ा में ज़्यादा नमक डालने से फिर पूरा एकदम नमक नमक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बेसन डाल दी हूँ और हाथ से अच्छे से मैं मैश कर ले रही हूँ, अच्छे से इसको मिला लेना है एकदम, बहुत ही अच्छे से मिल जाता है क्योंकि बॉयल आलू है ना, इसे पानी नहीं लगता है। और देखिए ये हमारा हो गया है इस तरीके से, तो मैं छान ली हूँ और देखिए मैं निकाल दी हूँ। हम लोग का पकोड़ा पार्टी हो चुका और यहाँ पर देखिए अभी चाय बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे हैं चाय बना दो थोड़ा, तो नाश्ता कर लिया, चाय पी लेंगे।
और बस देखती हूँ रात में क्या खाना बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जो प्याज कट की थी ना, ये मैं आधा ही डाली थी और आधा रख ली हूँ, देख सकते हैं। तो हस्बैंड बोल रहे प्याज की सब्ज़ी बना दो, तो ऐसे तो प्याज पोस्तो मतलब एक होता है पोस्तो को शायद खसखस, हाँ खसखस ही बोलते हैं, लेकिन हम पोस्तो बोलते हैं हम लोग, तो वो डाल के बनता है। तो अभी है नहीं अवेलेबल घर में, तो देखती हूँ ऐसे सिंपल नहीं बना दूँगी या फिर कुछ अलग बना दूँगी कुछ, तो रात के लिए देखा जाएगा। अभी पहले चाय पार्टी करती हूँ। अच्छा मेरा बन चुका है और बच्चे लोग सबको खा लिए हैं। तो फ्रेंड बारिश का मौसम में पकोड़ा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है ना, सभी को मतलब हमको तो लगता है कि 90% के घरों में मतलब पकोड़ा बनता ही है बरसात में, हम लोग इंडिया में बता रही हूँ मैं, और अच्छा लगता है। तो बस मैं आज थोड़ा अलग बनाई, आलू को मैं इस करके बना दी क्योंकि मैं सोची थी कि आलू का अलग बनाऊंगी और चॉप जो होता है वो बनाऊंगी और प्याज ही बनाऊंगी, लेकिन फिर देख रही हूँ कि चलो बना देती हूँ साथ ही साथ, इसका भी एक नया मतलब टेस्ट हो जाएगा। तो अच्छा लगा खाने में, बहुत यम्मी लगा, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और तो ठीक है, जुड़े रहिए फ्रेंड। अभी मेरे बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे हैं और बस यही सब अभी लोग का चलेगा, उसके बाद फिर पढ़ाऊँगी, पढ़ाने बैठाऊँगी। तो ठीक है, तो फ्रेंड मैं रात में डिनर के लिए खिचड़ी बना दी थी क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसी वजह से खिचड़ी चोखा मैंने बना लिया था। और देखिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा, ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाएगा नहीं तो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।